नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ नेशन में। इंडिया को लेकर तालिबान ने बदली रणनीति। अशरफ गनी का समर्थन न करने की शर्त के साथ दोस्ती के दिए संकेत, यानी कि तालिबान ने भारत से दोस्ती का हाथ मिलाने की बात की है। और वहीं पर नरेंद्र मोदी ने ये क्या कर डाला, चलिए हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने तालिबान के साथ व्यवहार किया है या दुर्व्यवहार किया है, क्या कैसे नरेंद्र मोदी ने किया है, चलिए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। बता दूं, अफगानिस्तान में भारतीय प्रोजेक्ट तालिबान के निशाने पर है। हालांकि अब तालिबान ने भारत के सामने एक शर्त रखकर रिश्तों को बेहतर बनाने की बात कही है। तालिबान का कहना है कि यदि भारत अफगान राष्ट्रपति का समर्थन बंद कर देता है तो उसके प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। बता दूँ आपको, अफगानिस्तान में खून की होली खेल रहे तालिबान ने भारत से दोस्ती के संकेत दिए हैं। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारत सहित किसी विदेश की इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को खतरा नहीं है। हालांकि इसके लिए तालिबान ने एक शर्त ये भी रखी कि आतंकी संगठन का कहना है कि यदि भारत अशरफ गनी सरकार द्वारा की जा रही गोलीबारी का समर्थन बंद कर देता है तो उसके प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। रशिया चाइना से भी चल रही है बात। संभवतः ये पहली बार है जब तालिबान ने कथित तौर पर भारत से समझौते की बात कही है। बता दूं आपको, द ट्रिब्यून के अपनी रिपोर्ट के में सूत्रों के हवाले से बताया है कि तालिबान प्रतिनिधिमंडल ईरान, रूस और चीन जैसे देशों से बातचीत कर रहा है और कुछ हद तक इसी तरह के प्रस्ताव सौंप रहा है। हालांकि भारत को लेकर ये बयान तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की तुलना में कम रैंकिंग वाले सदस्य का है, फिर भी ये बयान काफ़ी मायने रख रहा है। बता दूँ आपको, हम इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ही संगठन के संदेशों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाता है। उसने एक इंटरव्यू में कहा, हम किसी भी देश की आर्थिक परियोजनाओं को लेकर धमकी नहीं दे रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान में निवेश करने वाले देशों के पक्ष में हैं। हमने कुछ दिन पहले चीन की यात्रा की थी। चीन से हमारी मुख्य मांगों में से एक ये थी कि अफगानिस्तान के साथ व्यापार और निवेश में सहयोग करें, इंडिया से अच्छे संबंधों की चाहत। बता दूं, इंटरव्यू में जबीउल्लाह ने इस बात से इनकार किया कि तालिबान भारत और पाकिस्तान के चश्मे से देखता है। जबीउल्लाह ने कहा कि तालिबान इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। बता दें कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से तालिबान अफगान में खून की होली खेल रहा है। उसने मुल्क के कई अहम इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के बढ़ते कदमों से भारत भी चिंतित है क्योंकि उसने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में निवेश किया है। हालांकि अब लगता है कि तालिबान भारत को लेकर अपनी सोच में बदलाव धीरे धीरे ला रहा, क्योंकि भारत को अपने प्रोजेक्ट बचाने हैं। अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट वहां पर लगे हुए हैं जिन पर तालिबान का खतरा मंडरा रहा है। अगर अभी से नहीं रोका जाएगा तो तालिबान उन पर मिसाइल हमला या बम हमला कर देगा, जिससे कि वो प्रोजेक्ट जो हैं उन प्रोजेक्टों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए शायद नरेंद्र मोदी के तेवर बदल भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट बचाना है। अब देखते हैं नरेंद्र मोदी कौन सा डिसीजन, क्या निर्णय लेते हैं, कि वो अपने प्रोजेक्ट को बचाते हैं या फिर वो किसी और को बचाते हैं या वहाँ की जनता की आवाज़ सुनेंगे। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को भी ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो को शेयर करते हैं सच्चाई जनता के सामने पहुँचती है। बने रहें ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।